अगर आपको एक मजबूत इमारत बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ये वो अंक है, वैसे ही एक मजबूत नींव बनाता है, एक देता है फाउंडेशन। दिक्कत ये है कि इस जन्म में उनको ये कर्ज अदा करना है। मैं बात कर रही हूँ नंबर 13 की, कार्मिक डेट नंबर 13। चलिए बात करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू द चैनल। और आज आपसे बात कर रही हूँ नंबर 13। अगर ये है आपका बर्थडे तो इस नंबर को न्यूमरोलॉजी में कार्मिक ऋण कहा जाता है, कार्मिक डेट नंबर। अब वो क्यों कहा जाता है इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ और बताएं कि क्या ये आपका नंबर है या आपके परिवार में किसी का है। दोनों चीजें आपसे पहले ये बात करूंगी कि इसे कार्मिक ऋण क्यों कहते हैं, कर्म से जुड़ा हुआ है। नंबर 13, 1 और 3 को ऐड करने से आ जाएगा आपको 4, यानी राहु का अंक। 4 वो है जो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। 13 ये बताता है कि पिछले जन्म में इन्होंने डिसिप्लिन में नहीं रहे थे, अपनी मन की करी थी। एक बार कोई बात ठान ली तो दूसरों की सुनते नहीं थे, जिद्दी बात थे, या यूं कह सकते हैं डीट हैं, या इन्होंने बंधन को माना नहीं, कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में आके नहीं करी, किसी भी चीज़ को जो मर्जी आया किया और गलत किया, लोगों का दिल दुखाया, या अपनी लाइफ की उन कर्म की वजह से इस जन्म में उनके बर्थडे में ये नंबर 13 आया है। अब ये नंबर 13 उनको ऋण किस रूप में अदा कराएगा, उनको लाइफ में किसी भी चीज़ को सही ढंग से करने में दिक्कत आएगी। सक्सेस देर से मिलती है कि मन की बात जल्दी नहीं होती। ईश्वर कहता है भाई तेरी ख्वाहिशें बहुत हैं, यू हैव लॉट ऑफ डिज़ायर्स विच यू आर नॉट एबल टू फुलफिल। तो लोग कर्ज लेते हैं, फिर उस कर्ज का ब्याज भी देना पड़ता है। You desire to own something which is beyond your capacity and capabilities, then you end up paying interest on it. Exactly like that. जो आपने पिछले जन्म में अपनी मर्जी से काम किए उस पर आपको अभी तो लोन भी अदा करना है, अभी तो उसका इंटरेस्ट पे करना है। कार्मिक ऋण जीवन में स्ट्रगल देता है। किसी न किसी एक एरिया में ये व्यक्ति हमेशा, उसको लगता है वो अपने मन की नहीं कर पाता, बंधन सा महसूस करता है, के मन पर एक अंकुश सा होता है। That is karmic debt 13। दिक्कत ये आएगी कि इस व्यक्ति का तो बहुत पावर होगा, उसको मिसयूज करता है, चीजों को सही ढंग से नहीं करता, हैफ़ज़र्ड वे में करता है, फोकस नहीं कर पाता किसी चीज पे, किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता और अपने मन की नहीं कर पाता। चीज को शुरू करेगा, उसके बाद आधे में छोड़ दिया, देन स्टार्ट समथिंग न्यू। That habit of doing things and leaving halfway or starting something and not finishing, ये आदत या किसी और से काम कराना, ये problem रहती है और ये उसको life में दिक्कत रहती है क्योंकि 13 है। How do you overcome that? इसकी remedy कैसे करें आप? किसी भी चीज़ की अपनी आप habit बना लीजिए which you are doing regularly, नियम से follow कर रहे हैं। Structure, जैसे किसी building को बनाने से पहले एक architect नक्शा बनाता है, आप अपनी किसी भी चीज़ को करने के पहले ले आउट द प्लान, द ग्राउंड वर्क इज लाइक द फाउंडेशन, हैव दैट क्लैरिटी करना कैसे है और उस चीज़ को नियम से करें। इवन इफ यू फील ड्रॉन कि आधे में काम छोड़ देना चाहिए, डिलीजेंट नहीं है कि क्यों करना है, फिर भी करिए। इंस्टेड ऑफ डेलीगेटिंग पुट इन द हार्ड वर्क, क्योंकि 13 के दो स्वरूप हैं, या तो इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा है, उसको मिसयूज कर रहा है, और या तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट लॉस्ट एंड क्लूलेस, दोनों ही हालत में। क्योंकि वैसे तो ये नंबर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि 13-1 क्या है, इन्हीं चीज़ों को मिलने में उसको लाइफ में या तो बहुत देर होती है, या मुश्किल होती है सीखने में भी, बड़ी दिक्कत से वो चीज़ें मिलती हैं। सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट यूजिंग दिस इज बिफोर लाइफ गिव्स यू द ट्रबल, जीवन आपको ऐसे सिचुएशन में डाले कि जहाँ आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अब तो करना पड़ेगा, उसके पहले मेक योर हैबिट दैट यू डूइंग थिंग्स रेगुलरली एंड रिलीजियसली, पुट अ डिसिप्लिन, बी डिलीजेंट अबाउट इट एंड नो वाई यू आर डूइंग इट। डेलीगेशन पे मत जाइए, डोंट स्टार्ट डेलीगेटिंग, क्योंकि आपको नियम से ही ये करना है।
इन एडिशन टू दैट, माँ दुर्गा की पूजा रियली विल सपोर्ट जिनका ये डे नंबर 13 है. ओवरऑल अगर हो सके लिमिट योर टेक्नोलॉजी. सारा दिन एक्सेसिव ऑनलाइन का यूज़ या टेक्नोलॉजी का यूज़, लिमिट योर टेक्नोलॉजी यूज़ अगर ये आपका डे नंबर 13 है. और अपने रिलेशनशिप में इन्फ्यूज़ अडेप्टेबिलिटी. आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के मत बनिए, बी ओपन टू चेंज. आपने ठान लिया तो वो चीज़ पत्थर की लकीर है, यू हैव टू स्विच दैट माइंडसेट. यू हैव टू बी अडेप्टेबल. उसके अलावा लोगों के साथ सलाह मशवरा करके चलिए. नंबर 13, मैं ये मानती हूँ, हालांकि कार्मिक ऋण है, हाउ डू यू पे? बाय गेटिंग इन अलाइनमेंट. जो चीज़ आपके घर के लिए डिलीवर होनी है, आप उससे भाग नहीं सकते, चाहे आप घर में हो ना हो, वो आपके घर के दरवाजे के बाहर भी छोड़ी जाएगी. कार्मिक नंबर 13 हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू फॉर अ रीज़न, वेदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है. एंड व्हेन यू एक्सेप्ट इज विद ग्रेटिट्यूड एंड स्टार्ट अलाइनिंग. वेरी फर्स्ट थिंग, हैव अ रूटीन. सेकेंड, डोंट स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट इट. कोई चीज़ आप करते हैं तो आप कहते हैं मैंने किया, मेरे हिसाब से नहीं होता, आज ये परेशानी है कल वो. सो हैव यू नोटिस जब आप ऐसे करते हैं आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप में ईगो बहुत है और शो ऑफ करने की आदत बहुत है. ये नंबर ये भी सिखाता है कि सुधर जा, कम बैक, फाइंड योर प्लेस, फाइंड दैट ग्रेटिट्यूड प्लेस. और अगर आपसे मेडिटेशन होता हो, स्टार्ट मेडिटेटिंग. दिक्कत ये आती है क्योंकि फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे, इतनी ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. अपने घर की चीज़ों को अगर मेडिटेट करने में दिक्कत आ रही, तो अपने घर की चीज़ों को, योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपका क्लोजेट हो, आपकी बुक्स हो, आपका रूम हो, आपकी चीज़ें, स्टार्ट कीपिंग देम इन अ नाइस वे. इफ़ योर थिंग्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर, आप जूते फेंक देते हैं, हर चीज़ें स्प्रेड हैं, और बुक पढ़ते पढ़ते यू लीव योर बुक ओपन, तो यू आर ऑलरेडी लेटिंग योर एनर्जीज बी स्कैटर्ड. स्टार्ट अरेंजिंग थिंग्स, इट विल इन्फ्यूज the structure in your life. वही चीज़ आपकी life में organization skills भी ले आएगा. You will feel much more aligned in what you're trying to do. Regularly number 13, ये तो था कि number 13 क्यों है कार्मिक ऋण. Number 13 कार्मिक ऋण problem क्या देता है, उसकी remedy क्या है. Where I feel alignment, bringing discipline is important. Now here is what I'll say as a bonus. Number 13 अगर आपके में है, आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है जब आप एक तो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, और जो आपकी लाइफ में सक्सेस आई या जो आपको सक्सेस मिलती है या आप काम करते हैं किसी से सलाह मशवरा करके करते हैं, या अपने से बड़े या किसी को गुरु को फॉलो करना शुरू करते हैं, और दिल से कि कोई है गुरु समान या कोई मेंटोर है, जब वो आपको लाइफ में मिल जाता है, यू विल सी द सक्सेस स्टार्ट्स टू बिगिन इन योर लाइफ. ओवरऑल द नंबर ये जो है 13 दिक्कत देता है लाइफ के शुरुआती तौर में, दिक्कत देता है, और यूँ कहूँ कि इज अ स्ट्रिक्ट टीचर. आपको जब तक सिखाएगा नहीं ना डिसिप्लिन, आपको लगेगा यू आर जस्ट लाइक शटलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो ब्रिंग दैट फोकस, बट स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ गलती भी हुई है तो ओन अप टू इट एंड कनेक्ट विद द मेंटोर. कहीं ना कहीं जैसे ही मेंटोर की ब्लेसिंग आती है, यू फाइंड द पाथ. And suddenly you will notice that you were gravitating or deviating from your path, or maybe shayad purpose clear nahi tha. You start feeling that you are plugged in, and suddenly you feel stability, because otherwise usko aisa lagta hai uski life mein stability hi nahi hai. Agar ye aapka number hai, aapki family mein kisi ka number hai, kya aapko ye dikkat aayi? Aur kahin na kahin agar 13 aaya hai, to you cannot run away and you should not. At the most what you can do is practice gratitude and start aligning yourself. Take care.